हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का 28 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियन कोस्ट गार्ड 28 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है, यह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है और उसके मुख्यालय का मेजबान है। साथ ही अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों का जिसमें नाटो भी शामिल है। 10.7 मिलियन की जनसंख्या वाले बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर 11,787 वर्ग मील है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि सिटीजन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो सिटीजन सोसाइटी पुस्तक हामिद अंसारी के द्वारा लिखी है। तो हामिद अंसारी के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, जन्म 1 अप्रैल 1937, भारत के उपराष्ट्रपति थे। वे भारत अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता हैं एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके हैं। वे 10 अगस्त 2007 को भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के बारे में जान लेते हैं। स्कर्वी रोग होता क्या है? अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसमें आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। इस बीमारी में कमजोरी, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून कमजोर होना, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। अगर आपको शरीर में इससे कोई लक्षण नजर आए तो नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक जो है गाइस ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कथक जो है आपका ये उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ कहानी। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पनामा नहर किस महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है किस महासागर को जोड़ती है इसके बारे में जान लेते हैं। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा इमेज कैप्शन। समुद्र के रास्ते होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व का नियम है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रथम नियम के बारे में, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई वह बल उसे करने के लितर्ष नहीं करता, इसे नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है क्योंकि उसमें एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है, ऊर्जा वस्तु नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हॉर्स पावर का जो मन होता है वो कितना होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत की एक इकाई यांत्रिक हॉर्स पावर है जो लगभग 746 वाट है। विद्युत की एक और इकाई मैट्रिक हॉर्स पावर जो लगभग 736 वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, पीतल किन किन धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है किन किन धातु का मिश्रण है? तो पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु, यह तांबा एवं जिंक धातु के मिश्रण से बना जाता है। संस्कृत में
पित्त का अर्थ होता है पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आर्सेनिक से रिलेटेड पूछा गया था कि आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसकी स्थिति फास्फोरस के नीचे तथा एंटमनी के ऊपर है। आर्सेनिक में अधातु के गुण अधिक और धातु के गुण कम विद्यमान है। इस धातु को उपधातु मेटालॉइड की श्रेणी में रखा जाता है। आर्सेनिक से नीचे एंटीमनी में धातु गुण अधिक है तथा उसमें नीचे विस्मित पूर्ण रूपक धातु है। पंचम मुख्य समूह में नीचे उतरने पर धातु गुण में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, मोहिनी अष्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अष्टम जो है केरल का नृत्य है। इसमें गाइस फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन भी लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोहिनी अष्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल। मोहिनी अष्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्रकृति नामक एक युक्ति ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। एक क्वेश्चन था कि सन एक्स की रेंज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री से गुजरती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.26/22 एन ओ डिग्री ओ ओ डब्ल्यू निर्देशांक 23.26/22 एन 0.0 पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन पांच समूह अक्षांश रेखाओं में से एक जो पृथ्वी के मानचित्र पर प्रदर्शित होती है। एक आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 50,000 का 2 वर्ष में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थान को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल की त्रिवेणी कहा जाता है। यह एक हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। एक क्वेश्चन था कि फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर, यानी मेढक के जो हार्ट आप होता है उसमें कितने चैम्बर, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में कुल 3 कक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर, तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभांकर मिराई तोबा और सुमाइटी है। एक क्वेश्चन था कि पास्कल किसका यूनिट है, इसके बारे में जान लेते हैं। पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस और तनाव स्ट्रेस को भी इकाई है। यह लंबवत बल प्रति इकाई और क्षेत्र बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।